हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है नारियल के जूट से डिजाइन कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड, इसी डिजाइन पर हम आपको इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड, हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फ्रेंड, ये डिजाइन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप बेस कोट प्लेन कर लें। आप कोई भी कलर कर सकते हैं और किसी भी क्वालिटी का पेंट कर सकते हैं। ये हर क्वालिटी पर पेंट डिजाइन हो जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा रॉयल साइन है। रॉयल साइन के ऊपर हम ये डिजाइन बना रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर है और ये भी हमारा रॉयल साइन ही है। फ्रेंड, ध्यान रखना है इस डिजाइन को बनाते वक्त जो पेंट आप यूज करने वाले हैं टॉप कोट डिजाइन के लिए, उस पेंट में आपको वाटर नहीं मिक्स करना है। वाटर जरा से भी नहीं मिक्स करना है। फ्रेंड, कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर ले रखा है और दूसरा इसके कंट्रास्ट में पर्पल कलर है। सो फ्रेंड, हमारा ये दो कलर का कॉम्बिनेशन डिजाइन है, जूट वाला, नारियल के जूट से जो बनता है। दूसरा कलर हमारा ये पहला ऑरेंज है, दूसरा कलर हमारा ये पर्पल है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, नारियल का जूट है ये। सिंपली इसको आप छील लेना है नारियल को, और एक तरफ के साइड एकदम पतला पतला छीलना है, दूसरी साइड आप किसी से रस्सी से किसी से चीज से आपको बांध लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको बांधने के बाद आप जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पेंट में लगाना है हल्का सा, और अपनी दीवार पर इसको टच करते जाना है। फ्रेंड, इस तरह से आप टच करते जाएंगे पूरी वॉल पर स्पेस देके, ये आपका डिजाइन बनता जाएगा। सो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल और सावर डिजाइन है ये। डिजाइन आप किसी भी दीवार पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किसी भी वॉल पर आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिजाइन है आपका ये। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड, ये डिजाइन आपका किसी भी पेंट में आपका बन जाएगा। आप इस डिजाइन को प्रीमियम में भी कर सकते हैं, रॉयल में भी कर सकते हैं, या रॉयल का हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी कर सकते हैं, एलमोंड, यहाँ तक फ्रेंड इस डिजाइन को आप एलमोंड डिस्टम्पर पर भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इस डिजाइन को आप इंटीरियर में कर सकते हैं, बेडरूम या ड्राइंग रूम, किसी भी वॉल पर कर सकते हैं और किसी भी पेंट में कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये हमने रॉयल साइन में कर रहे हैं फ्रेंड, इसलिए कर रहे हैं कि ये रॉयल साइन हमारा रॉयल लग्जरी जो है ये वॉशिबल होता है। कभी भी गंदी हो जाए दीवार, इसे हम सरफ और साबुन से साफ कर सकें। सो फ्रेंड, इसलिए हम इस पेंट को रॉयल में ज़्यादातर करते हैं। सो फ्रेंड, इसको आप प्रीमियम में भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर इमल्सन में भी कर सकते हैं और किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ऑरेंज और पर्पल का कॉम्बिनेशन है और बेस कोट हमारा क्रीम शेड है। सो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करना, ये डिजाइन हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना। इसके अलावा हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यदि आपके मन में कोई और कलर है तो आप हमें ज़रूर बताना। सो फ्रेंड, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए नई नई डिजाइन लेके आता रहता हूँ फ्रेंड। सीलन से रिलेटेड अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें और
हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, नहीं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके, हमने अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। फ्रेंड, हमने क्रीम कलर बेस कोट पर ऑरेंज और पर्पल का कम्बिनेशन दे रखा है। फ्रेंड, आपके मन में कौन सा कलर है ये हमें ज़रूर बताना। फ्रेंड, इस दीवार पर और कौन सा शेड अच्छा लग सकता है, फ्रेंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पेंट का फ्रेंड मटेरियल कितना लगता है एक वाल पर? यहाँ पर फ्रेंड ये 10x15 की वाल है, इस पर हमने 200 ग्राम में ये हमारा कंप्लीट हो गया है डिजाइन। यदि आपकी दीवार 10x10 की है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम में आपका ये डिजाइन बनने वाला है। सो फ्रेंड, कैसा लगा ये हमारा कम बजट का अच्छा पेंट, अच्छा डिजाइन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट